أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जिस भाई का पट्ठा है, मतलब है जिस तितर ने, काले तितर ने पहले सीज़न में, इस सीज़न में पहली भलाई करनी है, उसके लिए आज मैं मस्ती वाला पानी बता रहा हूँ। आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, चाहे आप बड़े तितर को भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि ये ख़ास तौर पर वो मेरे भाई वीडियो वॉच करें जिनके मतलब है पट्ठे हैं, मस्ती नहीं कर रहे हैं, बुलाई नहीं कर रहे हैं, अगर खुराक कम खाते हैं, ठीक है, तो ये आपने पानी उनको देना है। आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन कॉल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस किस्म की कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से वीडियो वॉच कर लेंगे। वीडियो को दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी मतलब है फेसबुक है, आपके इंस्टा प्रोग्राम है और व्हाट्सएप है, उस पर लिंक शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का फ़ायदा हो जाए। तो जो भाई पट्ठे हैं, पट्ठों को खुराक देना चाहते हैं, मस्ती वाली खुराक बताऊंगा, मस्ती वाला पानी बताऊंगा। जिन भाइयों के पट्ठे बुलाई नहीं करते, ठीक है, वो ये पानी नोट फरमा लें। मैं आपने करना क्या है कि आपने मेडिकल स्टोर पे चला जाना है, वहाँ पे आपने ग्रे वाटर लेना है। ये ग्रे वाटर है, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ये एक्सपायर ना हो, ठीक है, इसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है। ये आपने अपने पट्ठों को देना है। पट्ठों को देने का तरीका कार ये है कि वैसे जो इसकी ग्रे वाटर आजकल नहीं मिला, ठीक है, आप किसी बड़े मेडिकल स्टोर से जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। इसकी प्राइस तकरीबन 70-80 रुपये होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 होगी, ठीक है। अगर आप ये एक ले लें सीज़न में, इसकी एक्सपायरी डेट देख लें, कम से कम एक साल इसकी एक्सपायरी डेट होती है, मतलब एक साल और इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। आपने अपने पट्ठों को देनी है, ये 3 दिन आपने लगातार देनी है, ठीक है। तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। आपने करना क्या कि जो रूटीन की आप खुराक दे रहे हैं वो दें। एक दिन आपने जब देनी है, स्टार्ट करनी है अपने पट्ठे को, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि एक दिन पहले उसको पानी नहीं देना, ठीक है। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तितर मस्ती लग रहे हैं, ठीक है, कुछ तितर कुरीज पे लगे हुए हैं, लेकिन जो पट्ठा या तितर कुरीज पे लगा हुआ है उसको ये आपने ग्रे वाटर नहीं देनी, अदरवाइज़ वो कुरीज रोक जाएगा, ठीक है। कोशिश करनी है आपने कुरीज पे तितर ना लगाओ, नज़ला ज़ुकाम भी ना हो तितर को, ठीक है। वो आपने ये फिर इसका ढक्कन एक उतार के, ठीक है, आपने 2 ढक्कन जो तितर की प्याली होती है ना, जिसमें आप पानी वगैरह डालते हैं, उसमें 2 ढक्कन ये मिला दें, ठीक है, और बाकी आपने ऊपर से दूसरा पानी नलके करें, फ्रेश पानी डाल दें, ठीक है। उसके बाद आप तितर को कवर करके रखते हैं, ये तकरीबन 10-11 बजे देनी है। इससे आपका पट्ठा जो होगा बिल्कुल मस्ती करेगा, खुराक भी ज़्यादा खाएगा, अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उसकी मैल कुचाल हर चीज़ निकल जाएगी, और तितर की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो जाएगी, ठीक है, और तितर खुद ब खुद मस्ती लग जाएगा। ये एक दिन देनी है पट्ठे को, फिर दूसरे दिन छोड़ के, फिर तीसरे दिन फिर देनी है, इसी तरतीब के साथ देनी है, ठीक है, और फिर तीसरा दिन देनी है, फिर चौथे दिन आपको आपने छोड़ के, ठीक है, फिर पाँचवें दिन आपने देनी है, ठीक है। इस तरतीब के साथ आप 3 दिन देंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन देनी है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन देनी है। 3 दिन जब आपके कंप्लीट हो जाए, इसमें नागा वही करना है जो एक दिन वाला, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। फिर आप बेशक पट्ठे को जितनी खुराक देंगे वो खाएगा, मस्ती भी करेगा, हर चीज़ की मस्ती करेगा, जितना आपने सोचा भी होगा नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह नेकबाद।